बंदूरा बोला, अरे पार्टी तो बनती है, आज तू मुझे खाना खिलाएगा, चल 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 लाल पैसे और खिला मुझे। क्या क्या खाएगा? चौमिन, मैटी, समोसे और क्या क्या खाएगा? जल्दी बताओ क्या क्या खाएगा। बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो सफाई राम
तुम्हारा दोस्त बीमार पड़ा है और तुम्हें सिर्फ सुधार दो तो तुम अभी भी अच्छे दोस्त हो।
बस कुछ जरूरत है कुछ आदत बदलने की। मैडम ने समझाया, मैडम वो क्या आदतें हैं जिसे बदलकर हम अपने जीवन में हाथों सफाई ला सकते हैं और कभी बीमार ना पड़े। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें अपने ध्यान रखनी चाहिए। शौच जाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथ धोने चाहिए साबुन से और पानी से, अच्छे से रगड़ के, ऐसे करके आगे से भी पीछे से भी। कैसे साफ करना चाहिए सारे बच्चे बताएंगे, आगे से भी और थोड़ा पीछे से भी, ठीक है। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, खुशबू आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। और अपने नाखून हमेशा काटने चाहिए, काहे से दांत से नहीं, दांतों से नहीं, हाँ छोटा सा एक कैंची आती है उससे हाथ अपने नाखून काटने चाहिए, ठीक है। चारों तरफ सफाई रखनी है, तुम लोग साफ रहोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ोगे नहीं। बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जब गंदी चीजें खाते हैं, गंदगी में रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप साफ रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, और जब बीमार नहीं पड़ोगे तो ये लंबे लंबे चौड़े चौड़े बच्चे बड़े बन जाएंगे, बड़े होकर के, है ना। और जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर कभी थूकना नहीं चाहिए, अभी यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है इस बात का, जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर नहीं थूकना चाहिए, ठीक है। कहीं भी नाली में डालो, थूको, कूड़ा अपने घर में जो कूड़ेदान है उसमें डालो। खाना खाने के बाद मुंह से कुल्ला जरूर करना है, नहीं तो दांतों में क्या लग जाता है, कीड़ा कीड़ा, और दांत दर्द करने लगते हैं और मुंह से बदबू भी आती है। और पानी पानी उबाल के पीना है, ठीक है, उबला हुआ पानी, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, और एक ग्लास मुझे ला दो, ठीक है। अब मैं दो चीज़ें करके दिखाऊंगी, तुम मुझे बताना क्या सही है और क्या गलत। अभी बताना जो बताएगा, ठीक है, जो बताएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगी, ठीक है। जो मुझे बताएगा सही वो मैं चॉकलेट दूंगी, ठीक है। अब किसी को पानी देना है, ठीक है बच्चों, देखो पहला एक नंबर है, किसी को पानी देना है, ग्लास लिया, मटका खाया, ठीक है, ग्लास लिया, डाला, उंगली निकाली और पानी दे दिया, लो पकड़ो। ये सही है या ये सही है? प्लेट हटाई, कलछी ली, ग्लास को नीचे से पकड़ा ताकि हाथ की मट्टी और जर्म्स पानी में ना जाए, कलछी ली, पानी डाला और ग्लास को नीचे से पकड़ा, ऐसे नहीं, ठीक है, नीचे पकड़ा और फिर पानी पीने का दिया। कौन सा सही तरीका था, पहला या दूसरा? दूसरा। अच्छा किसने बोला थी हूँ? दूसरे से बोला, पहले किसने बोला, पहले दूसरा, इधर आओ इधर आओ, जो दूसरे ने बोला दूसरे को जरा जल्दी से ट्रॉफी दो, उसे सही पहले जल्दी से ट्रॉफी दे दो, सही जवाब, सही जवाब, ठीक है। चलो उसने भी बोला चरण जीतने की कोशिश, ग्लास नीचे पकड़ने से हाथ की मट्टी जर्म पानी में नहीं जाते, अक्सर हम ऐसे पकड़ते हैं ना, लिया मटके में डाला और दे दिया, इससे हमारे हाथ इसमें चले जाते हैं, गंदगी चली गई उंगलियों की। बस इतनी सी आदत है, नीचे से पकड़ो और फिर दो, देने में भी अच्छा लगता है और हाथ की जॉम्स पानी में नहीं। ठीक बोला, ये सही बोला, तो ये। अच्छा खाना खाने से पहले तो हाथ धोएं, लेकिन खाना परोसने से पहले भी हाथ धोएं, ताकि वही हमारे हाथ के जर्म्स और मट्टी और कीटाणु खाने में ना जाए। सही या गलत? सही। फिर से ताली। शौचालय जाने के बाद
धोएं, क्योंकि जो मल के हाथ होते हैं उनसे सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। साबुन से अपना हाथ धोएं, उससे सारे जर्म्स भी मरते हैं और हाथों में खुशबू आती है वो अलग, खुशबूदार सफाई राम। ठीक है, ताली सही। हम सब साफ सुथरे रहेंगे। अच्छी थी कहानी।